और यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से संबंधित एक ऐसी वीडियो जो कि 11th और 12th के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल तो है ही, उसके साथ ही साथ यूपी कैडेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आज आप इस वीडियो के थ्रू स्टडी करेंगे टोमेटो कल्टिवेशन। तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखा है टमाटो कल्टिवेशन यानी कि टमाटर की खेती। हम यहाँ पे टमाटर की खेती से संबंधित सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसकी बुआई कब करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं, उसका सीड रेट कितना होता है और बोटेनिकल नेम फैमिली और उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, सारा कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले है बोटेनिकल नेम क्या है टमाटर का। बोटेनिकल नेम लाइकोपर्शिकम एस्कुलेंटम है। इसकी फैमिली क्या है, सोलिनेसी है, फैमिली है सोलिनेसी। क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं। ओरिजिन प्लेस पेरू यानी कि दक्षिणी अमेरिका है। टाइप ऑफ फ्रूट फल का प्रकार बेरी है। इसमें जो मृदा की पीएच वैल्यू रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी है, 6 से 7 पीएच। टमाटर में विटामिन्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी विटामिन्स पाई जाती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। आगे दे रखा है कि टमाटर में पीला रंग किसके कारण होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर में हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल या फिर हरित लवक के कारण होता है। टमाटर में अंकुरण हेतु तापमान कितना चाहिए, उसके अंकुरण के लिए कितना तापमान चाहिए, 15 से 29 डिग्री सेल्सियस चाहिए। टमाटर की वृद्धि के लिए तापमान कितना चाहिए, टमाटर की वृद्धि के लिए 18 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए। आगे है टमाटर में लाइकोपीन यानी कि लाल रंग बनता है, ऐसा कौन सा तापमान है, किसके बीच होता है कि टमाटर में लाइकोपीन यानी कि लाल रंग का निर्माण हो जाता है, वहाँ पे दे रखा है कि 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। टमाटर में लाइकोपीन का निर्माण कंद बंद हो जाता है, कब बंद हो जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पे टमाटर में लाइकोपीन का निर्माण होना बंद हो जाता है। टमाटर में विपरीत जलवायु अवस्था में प्रयोग करते हैं, जब टमाटर की विपरीत जलवायु की अवस्था हो जाती है तो हम PCPA केमिकल जो कि 0.4% का यूज़ करेंगे। टमाटर में सांस परीक्षण हेतु क्या प्रयोग करते हैं, सांस परीक्षण हेतु यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। टमाटर में पाया जाने वाला जहरीला तत्व कौन सा है, विषैला तत्व कौन सा है, वो है टोमेटाइन। क्या है, टोमेटाइन। टमाटर में कमी पाई जाती है, किसकी कमी पाई जाती है, ब्लोची रिपनिंग की कमी पाई जाती है, किसकी, ब्लोची रिपनिंग की कमी पाई जाती है। टमाटर के फल में साइट्रिकम 0.3% पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 0.3% पाया जाता है। टमाटर के फलों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रयोग करते हैं, टमाटर के फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम जिबेली एसिड का हार्मोन है यूज़ करते हैं, कितना उसकी टॉक्सिक लिमिट दे रखी है, 25 PPM तक हम यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइम ऑफ सोइंग, नर्सरी में इसका सोइंग का टाइम क्या है और उसका ट्रांसप्लांटिंग का टाइम क्या है। तो शीत ऋतु में नर्सरी में हम बोएंगे जून से जुलाई के महीने में, जबकि इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे, अगस्त के महीने में। ग्रीष्म ऋतु में नवंबर से दिसंबर में नर्सरी में हम सोइंग करेंगे और इसकी ट्रांसप्लांटिंग जनवरी से फरवरी में करेंगे, कब करेंगे, फरवरी में। आगे दे रखा है कि सीड रेट कितना है, हम हाइब्रिड वेराइटी के लिए और देसी वेराइटी के लिए सीड रेट देखेंगे। तो यहाँ पर हाइब्रिड वेराइटी के लिए 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट दे रखा है, कितना, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। देसी वैरायटी के लिए 400 से 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना, 400 से 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे हम देखेंगे कि टमाटर की एक हेक्टेयर में फसल बुआई के लिए तापमान कितना चाहिए, टमाटर की एक हेक्टेयर की फसल की बुआई के लिए सामान्यतः 250 मीटर² नर्सरी की आवश्यकता होती है। 250 मीटर नर्सरी बनाएंगे, 250 मीटर² की हम नर्सरी बनाएंगे और उसमें जितने भी प्लांट होंगे वो एक हेक्टेयर की ट्रांसप्लांटिंग के लिए सफिशियंट होंगे। आगे दे रखा है कि टमाटर में एनपीके रेशियो कितना है, टमाटर में एनपीके रेशियो दे रखा है कि नाइट्रोजन 60 और फास्फोरस 80 और पोटास 60 kg पर हेक्टेयर की रेट से हम यूज़ करेंगे। टमाटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु क्या यूज़ करते हैं, टमाटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु हम एक एलाक्लोर जिसे हम व्यापारिक भाषा में लासो कहते हैं, आप किसी मार्केट में जाएंगे वहाँ पे लासो नाम से मांग करेंगे तो आपको मिलेगा,
और इसकी टॉक्सिक लिमिट क्या है, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी है, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे दे रखी है कि टमाटर की वेराइटीज़ हैं, ये 4 ऐसी वेराइटीज़ हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कितनी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे रखा टिप टॉप, मनी मेकर, बेस्ट ऑफ ऑल और पूसा रूबी। क्या है, टिप टॉप, बेस्ट ऑफ ऑल, मनी मेकर और पूसा रूबी। आगे हम देखेंगे अदर वेराइटीज़, फ्लेवर सेवर है एक, पूसा गौरव, पंत बहार, पंजाब छुआरा, पंजाब केसरी, पूसा शीतल, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा सदाबहार, अर्का वरदान और अंगूर लता। ये अदर वेराइटीज़ थी टमाटर की। अब हम देखेंगे डिजीज़, ब्लाइट। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया के द्वारा लगता है, जो कि बैक्टीरिया, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्यूडोमोनास सोलेनेशियरम। क्या है, स्यूडोमोनास सोलेनेशियरम। अब इसका हम नियंत्रण देखेंगे किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा होता है। एक है डैम्पिंग ऑफ, किसके द्वारा होता है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इंसेक्ट, टमाटर में लगने वाले इंसेक्ट कौन कौन से। फ्रूट बोरर, फ्रूट बोरर एक इंसेक्ट है, उसका साइंटिफिक नेम क्या दे रखा है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। व्हाइट फ्लाइज, व्हाइट फ्लाइज, बेमेशिया टेबेशाई। क्या है, बेमेशिया टेबेशाई। इसका कंट्रोलर देखेंगे, किसके द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो है एसीफेट। और कितना यूज़ करेंगे, 2 ml 1 लीटर वाटर में इसका हम सोल्यूशन बना के स्प्रे करेंगे। आगे दे रखा है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसमें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे फल का फटना, ब्लॉसम एंड रॉट, पफिननेस, सन स्कॉल्ड और ब्लोची रिपनिंग। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, फल का फटना यानी कि फ्रूट क्रैकिंग किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है। ब्लॉसम एंड रॉट BER किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। पफिनेस, ये तापमान की अधिकता के कारण पफिनेस हो जाती है। सन स्कॉल्ड, ये 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पे सन स्कॉल्ड हो जाता है। ब्लोची रिपनिंग, क्या है ब्लोची रिपनिंग, ये पोटास की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, पोटास की कमी से होता है।